हेलो गाइस, कैसे आशा करते हैं यार सब लोग ठीक होंगे। गाइस स्वागत है आपका बस इंडोनेशिया के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अशोक लेलैंड के ट्रक मोड के बारे में। आप लोगों को मैं बताऊंगा पांच अशोक लेलैंड के ट्रक मोड जो कि आप लोगों के बस इंडोनेशिया गेम प्ले को काफ़ी टॉप बनाने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहना। आप लोगों को पाँच ऐसे में ट्रक मोड दिखाऊंगा जो, और साथ ही साथ वो भी बताऊंगा किस तरीके से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ गाइस, अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे जिसमें मैंने टॉप फाइव टाटा ट्रक के रिव्यू, टाटा ट्रक का रिव्यू भी किया है, टॉप फाइव डम्फर वाले जो डम्फर होते हैं उसके भी रिव्यू किया हुआ है, तो आप लोग वो वीडियो देख लेना। उसका वीडियो के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और हाँ गाइस, साथ ही साथ आप लोगों को फॉर्च्यूनर के मॉडल्स के, मतलब सभी के सभी मॉडल्स है, उसका भी रिव्यू किया हुआ है और जीप मोड का भी रिव्यू किया। मतलब एक बार आप लोग डिस्क्रिप्शन विजिट कर लेना, वहाँ पे आप लोगों को काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो कि आप लोग बस मिले इंडोनेशिया गेम में आसानी से प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग, हम लोग ज़्यादा बकवास नहीं करते हो, वीडियो को करते स्टार्ट। तो उससे पहले यार, अभी तक वीडियो को आप लोगों ने लाइक नहीं की, वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सिलेक्ट कर देना ताकि जब भी हम अपना नया वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल जाए। और हाँ गाइस, सब्सक्राइब करने के साथ साथ ये नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करना ना भूले। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों ने अभी तक उसको ऑल पे सिलेक्ट नहीं किया है। तो चलिए गाइस, ज़्यादा बकवास नहीं करते, वीडियो को करते साथ। सबसे पहले आप वाला ये वाला जो अशोक लेलैंड का मॉडल देख रहे हो वो काफ़ी खतरनाक वाला आप लोगों को यहाँ पे मिल जाने वाला है। एक मिनट में आप लोगों को इसको बाहर से जाके भी दिखा देता हूँ। बाहर से आप लोगों को कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाने वाला है, काफ़ी ओपी वाला आप लोगों को यहाँ पे लुक मिल जाने वाला है। काफ़ी सारे टायर्स भी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और आप लोगों को इसमें दो एनिमेशन की भी मिल जाती है, तो उसका यूज़ भी मैं आगे आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप बात करते हैं वाइपर की, तो वाइपर अच्छी तरीके से वर्क कर जाते हैं। लाइटिंग भी काफ़ी अच्छी तरीके से आप लोगों को यहाँ पे वर्क करने वाली मिल जाती है। पार्किंग लाइट की बात करो तो वो भी यहाँ पे वर्क करती है, आप लोग देख रहे हो दोनों साइड की वर्क कर रही है, तो काफ़ी अच्छा ये मोड आप लोग के लिए होने वाला है। अंदर का डैशबोर्ड की बात करो तो डैशबोर्ड आप लोग देख ही रहे हैं, कुछ इस टाइप का आप लोगों को देखने को मिल जाने वाला है। और हाँ, काफ़ी सारी मतलब सीटें हैं और ड्राइवर सीट का भी लुक काफ़ी अच्छा है और डैशबोर्ड काफ़ी अच्छा मिल जाता है। एक बार इसके अंदर से बात करते हैं, डैशबोर्ड आप लोगों को कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है, लेकिन इसमें स्पीडोमीटर वर्क नहीं करता है, तो ये थोड़ी सी आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। और हाँ, जैसे आप लोग इसको पार्किंग लाइट चला ऑन करते हो तो वहाँ पर जो ऊपर जो भगवान की फोटोज़ है, मतलब उनके उनमें भी लाइट जलने लगती है, तो ये कुछ यहाँ पे आप लोगों को मिल जाने वाला है। और हाँ, यहाँ पे आप लोगों को मैप भी मिल जाता है जिससे कि आप लोग रास्ता वगैरह ढूंढने में दिक्कत ना हो। अब बात करते हैं इसके एनिमेशन की, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फर्स्ट वाले एनिमेशन की को आप लोग यूज़ करते हो तो पीछे जो हमारा काफ़ी सारा सामान रखा हुआ होता है वो गायब हो जाता है। तो देख रहे हो ये वाला ट्रक भी आप लोगों को काफ़ी ओपी वाला, अगर आप लोग कुछ इस टाइप से इसको खेलना है तो इस टाइप से भी खेल सकते हैं। और हाँ, सेकंड नंबर के एनिमेशन की से यहाँ पे जो ब्लू कलर की बारी होती है वो ओपन बंद होती रहती है, खिड़की होती है वो, तो ये कुछ आप लोगों को मिल जाने वाला है। तो यही था ये डम्फर मोड, इसको डाउनलोड करना है तो आप लोगों को यार डाउनलोड करने की बात आई तो मैं आप लोगों को बता दूँ इसकी मैं डायरेक्टली लिंक नहीं दे सकता कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, उसका जो क्रिएटर है वहाँ पे ही जाना होगा, उनकी चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाए और वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए गाइस, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मोड की ओर। ये मोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, आप लोगों को यहाँ पे मतलब अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। बढ़ते हमारे नेक्स्ट मोड की ओर। तो जैसे ही गाइस, यहाँ पे आप लोग सेकंड नंबर वाला ट्रक मोड देख रहे हो, ये भी अशोक लेलैंड का आप लोगों को ट्रक मिल जाने वाला है। इसमें आप लोग स्टीयरिंग लुक आप लोगों को कुछ इस टाइप का मिल जाने वाला है। इसमें सबसे पहले ही मैंने स्टार्ट किया इसके डैशबोर्ड के, इसका डैशबोर्ड आप लोगों को कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाने वाला है। और गाइस, डैशबोर्ड पर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और यार, यहाँ पे मतलब इसको यहाँ पे काफ़ी बड़ा ढलान है, अगर आप लोगों ने ये मैप खेला होगा तो आप लोगों को पता होगा। चलिए एक बार यहाँ से हम लोग निकल जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को मतलब इसका जो स्टीयरिंग सेंसिटिविटी वगैरह की बात करो तो ये काफ़ी अच्छा मिल जाने वाला है। वाइपर की बात करो तो वाइपर काफ़ी अच्छी यहाँ पे आप लोगों को वर्क करने वाले मिल जाने वाले। और यहाँ पे अगर आप लोगों को जो स्पीडोमीटर की बात करो तो स्पीडोमीटर मतलब वर्क करता हुआ नहीं मिलता, तो वो सारे से आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो ये कुछ आप लोगों को यहाँ पे मिल जाने वाला है। इसका बाहर के लुक की बात करो तो बाहर से आप लोगों को कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाने वाला है। यहाँ पे आप लोगों को अशोक लेलैंड का लोगो भी दिखा हुआ मतलब लिखा हुआ मिल जाएगा, नेम टैग। यहाँ पे लाइट वगैरह की बात करो तो लाइट कुछ इस तरीके से वर्क करती है। पार्किंग लाइट की बात करो तो पार्किंग लाइट भी काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर जाती है और काफ़ी ओपी लगता है यार ये लुक। और अगर मैं आप लोगों को बात करूं तो यहाँ से आप लोगों को विदाउट लोड वाला भी मिल जाएगा, इसमें पूरा लोड भरा हुआ है, आप लोगों को ऐसे भी मिल जाएंगे जिसमें विदाउट लोड है, तो वो आप लोग एक बार इनकी चैनल विजिट कर लेना, वहाँ पे आप लोगों को ऐसा मोड मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छा लगे यार ये मोड, तो मुझे भी यहाँ पे जेके ट्रांसपोर्ट लिखा हुआ है और काफ़ी सारा सामान इसमें वैसे क्या भरा है, अंदर से देखने की कोशिश करते हैं कुछ इस टाइप का आप लोगों को देखने को मिल जाने वाला है। इसमें आप लोगों को उतना ज़्यादा कुछ टायर्स नहीं मिलते, कुछ ये 10 टायर के साथ आप लोगों को ये मिल जाने वाला है। और स्टीयरिंग सेंसिटिविटी अगर की बात करो तो ये काफ़ी अच्छा आप लोगों के यहाँ पे मिल जाने वाला है। तो यही था ये मोड में। और इसमें एक और बार यहाँ से हम लोग मतलब लाइट वगैरह चलती है, डैशबोर्ड में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उतना ज़्यादा, डैशबोर्ड कुछ इस टाइप का आप लोगों को देखने को मिल जाने वाला है। इसका स्टीयरिंग भी काफ़ी अच्छा आप लोगों को लुक के साथ मिल जाने वाला है। तो इसको डाउनलोड करने के भी इसका एक क्रिएटर है, उनकी चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हमारे नेक्स्ट मोड की ओर।
तो थर्ड नंबर पे गाइस आप लोगों को मिल जाने वाला अशोक लेलैंड वाला ये वाला ट्रक मूर्ति। इसका जो स्टेयरिंग देख रहे हो काफी मतलब जो अशोक लेलैंड की बसिस होती है उसके जैसे यहाँ पे आप लोगों को लुक मिल जाने वाला है। और यार यहाँ पे ब्रेक की थोड़ी बात कर तो वो दिक्कत हो सकती है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो अभी पूरा एक्सीडेंट हो गया मतलब यहाँ पे, तो ये कुछ आप लोग यहाँ पे मिल जाने। इसका डैशबोर्ड भी आप लोग देख रहे हो कुछ इस टाइप का आप लोग देखने को मिल जाने। अंदर छोटा सा एक भगवान की मूर्ति भी मिल जाने वाली है, साथ ही साथ ऊपर भी आप लोग देख रहे हो काफ़ी अच्छा मिल जाने वाला है। यहाँ पे वाइपर की बात करो तो वाइपर काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर जाते हैं, डिम्पर वगैरह काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे वर्क करते हैं। यहाँ पे मैं बाहर से देखा तो बाहर से आप लोगों को इसका लुक इस टाइप का देखने को मिल जाने वाला है। ये भी आप लोगों को 10 टायर के साथ मिलता है और पीछे इतना सारा कुछ सामान यहाँ पे रखा हुआ है। पीछे की लाइट वगैरह की बात करूँ यहाँ पे पार्किंग लाइट वगैरह की, तो पीछे के सारे फंक्शन वर्क कर जाते हैं तो उसमें कुछ ज़्यादा आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पे लाइट आप लोग देख ही रहे कुछ इस टाइप का वर्क करने वाला मिल जाने वाला है। यहाँ पे पार्किंग लाइट की बात करो तो पार्किंग लाइट यहाँ पे वर्क करने आगे तो आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, पीछे की तरफ आप लोगों को पार्किंग लाइट वर्क करती हुई मिल जाने वाली है। और इसमें पीछे कुछ सामान रखा हुआ, ऊपर एक स्पेयर व्हील रखा हुआ, तो ये कुछ आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाने वाला है। इसका डैशबोर्ड में फिर से आप लोगों को दिखा देता हूँ, डैशबोर्ड पे जो स्टेयरिंग देख रहे हो मतलब जो बसिस होती है उसका स्टेयरिंग यहाँ पे रखा हुआ है, तो काफ़ी ओपी लगता है यार इसमें। और चलाने इतना स्मूथ है, इसकी स्पीड मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। लेकिन अगर इसमें आप लोग कहीं पे मोड़ते वगैरह हो तो ये थोड़े से मतलब स्लिप वगैरह हो जाती है, ये आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो ये कुछ आप लोगों को यहाँ पे मतलब मिल जाने वाला है। इसको भी अगर आप लोगों को डाउनलोड करना है तो उसका भी चैनल लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हमारे नेक्स्ट मोड की ओर, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो गाइस फोर्थ नंबर का मोड आप लोगों को जिस टाइप का देखने को मिल जाने वाला है, इसका भी स्टीयरिंग लुक आप लोगों को काफ़ी अच्छा यहाँ पे मिल जाने वाला है। इसके डैशबोर्ड की बात करूँ तो यहाँ पे डैशबोर्ड इसका भी वर्क करता हुआ नहीं मिलता है। लेकिन एक और हम लोगों को इसमें नया फंक्शन मिल जाने वाला है कि इसमें आप लोग पीछे का मिरर देख रहे हो, पीछे से मतलब कोई गाड़ी वगैरह आती हो तो आप लोग पीछे से इसमें अच्छी तरीके से देख सकते हो। तो ये कुछ इसमें नया मिलता है, बाकी सारे मोड्स में ऐसा कुछ नहीं मिलता है। और इसमें आप लोग को कंडक्टर के साथ ही बैठा हुआ मिल जाता है और साथ ही साथ इसमें दो और इंसान भी मिल जाते हैं। मैं बाहर से आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ, बाहर से इस ट्रक का लुक कुछ इस टाइप का मिल जाने वाला है। पीछे दो इंसान बैठे, एक ड्राइवर है और एक कंडक्टर है, तो वो साइड आप लोगों को मिल जाने वाला है। यहाँ पे लाइट वगैरह की बात करो तो वो वर्क करती है, पार्किंग लाइट भी काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करने वाली मिल जाती है। जैसे पार्किंग लाइट वर्क करती है तो साइड मिरर होते हैं, वहाँ पे भी आप लोगों को रिफ्लेक्शन देखने को मिल जाता है। ये भी पूरा लोड भरा हुआ है इस टाइप का आप लोग यहाँ पे देखने को मिल जाने वाला है। तो ऊपर एक स्पेयर भी रखा है, ये कुछ आप लोगों को यहाँ पे मिल जाने वाला है। पीछे के सभी फंक्शन की बात करो तो पीछे सभी फंक्शन आप लोगों को वर्क करने वाले मिल जाने वाला है। ब्रेक वगैरह सब कुछ काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करता है, रिवर्स लाइट भी काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर जाती है। इसमें आप लोगों को एक छोटा सा मैप भी मिल जाते हैं वाले, जिससे कि आप लोग रास्ता वगैरह ना भटक जाए, तो काफ़ी ओपी वाला ये लुक लगता है यार, काफ़ी अच्छा ऐसे लगा। और आप लोगों को सभी मोड्स में से कौन सा मोड पसंद आया कमेंट करके जरूर बताना। लास्ट वाला मोड जरूर देख के जाना क्योंकि वो इससे भी काफ़ी खतरनाक वाला आप लोगों को यहाँ पे मिल जाने वाला है। तो इसमें जो मैप है मतलब वो मैप थोड़ा गलत दिखा रहा है इस ऐप का यहाँ पे लग रहा है, हम लोगों को एक्चुअल में उस साइड जाना था लेकिन गलती से हम इस साइड आ गए, तो ये आप लोगों को थोड़ी मतलब दिक्कत वगैरह हो सकती है। इसमें जो लाइट वगैरह हम लोग जलाते हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लाइटिंग वगैरह होती है। आप लोग ऊपर की साइड देख रहे हो वहाँ पे भी एक छोटा सा लाइट लगा हुआ इस टाइप का आप लोगों को देखने को मिल जाने वाला है, मतलब पूरा डैशबोर्ड का लुक चमक आ जाती है ऐसा कुछ यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाने वाला है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे आप लोगों को साइड मिरर भी काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है। और यहाँ पे वाइपर की बात करो तो वाइपर भी आप लोगों को वर्क करने वाले मिल जाने वाले हैं। तो इसका लुक आगे से शायद आप लोगों को पसंद ना आए लेकिन यार काफ़ी ओपी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाने वाला है, काफ़ी खतरनाक वाला है। आप लोगों को ये मोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। बढ़ते हमारे लास्ट मोड की ओर, तो वो भी काफ़ी अच्छा है, उसको देख के जरूर जाना। वो आप लोगों को 14 टायर के साथ मिल जाने वाला है। चलिए गाइस, इसमें आप लोगों की एक एनिमेशन की मिलती है लेकिन उसका यूज़ क्या है वो मुझे इतनी अच्छी तरीके से पता नहीं है, या पे वो वर्क नहीं करता है या फिर पता नहीं यार, मुझे पता नहीं है इसका क्या यूज़ है, तो आप लोग एक बार चेकआउट कर लेना। बढ़ते हमारे लास्ट वाले मोड की ओर, तो चले गए चले जाते हैं हम लास्ट वाले मोड में। तो जैसे कि ऐसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं लास्ट वाले मोड में आप लोगों को ये वाला मोड मिल जाने वाला है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो अशोक लेलैंड का काफ़ी खतरनाक वाला मॉडल मिल जाने वाला है, मुझको ये काफ़ी पसंद आया यार। आई होप आप लोगों को भी ये मोड पसंद आएगा। इसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ही टायर मिल जाने वाला है, मतलब 14 व्हीलर आप लोगों को यहाँ पे मिल जाने वाला है। इसमें भी डैशबोर्ड मुझे काफ़ी अच्छा लगा, पीछे की तरफ आप लोग डैशबोर्ड देख रहे हो काफ़ी अच्छा है और इसके पीछे इसके भी लोड पूरा भरा हुआ है। इसमें भी आप लोगों को सभी फंक्शन वर्क करते हुए मिल जाएंगे, रिवर्स लाइट वगैरह की बात करूँ, पार्किंग लाइट वगैरह की बात करूँ, तो सभी फंक्शन इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर जाने वाले हैं। और इसमें लाइटिंग की बात करूँ तो लाइटिंग भी काफ़ी अच्छी तरीके से मतलब ऑन ऑफ होती रहती है, तो ये कुछ काफ़ी अच्छा है। इसमें अगर डैशबोर्ड की बात करो तो डैशबोर्ड भी काफ़ी अच्छा आप लोगों को मिल जाने वाला है, इसका शाइनिंग वगैरह ब्लू कलर का दिया गया है तो काफ़ी खतरनाक है। और इसमें आप लोगों को दो एनिमेशन की भी मिल जाती है, तो उसका यूज़ भी मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ। तो यार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को इन सभी मोड में से सबसे ज़्यादा वाला मोड कौन सा पसंद आया। मुझे तो ये जो लास्ट वाला मोड है ये काफ़ी अच्छा लगा। इसमें आप लोगों को फर्स्ट एनिमेशन की को जैसे आप लोग यूज़ करते हो तो यहाँ से एक बाहर का कैमरा ओपन हो जाता है, जिससे कि आप लोग अपनी ट्रक को मतलब जिस तरफ जाना चलाना चाहो उस टाइप मतलब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। साइड मिरर आप लोगों को सभी वर्केबल मिल जाते हैं, वर्क करता है
काफ़ी अच्छी तरीके से। और यहाँ पे आप लोग एक बार दिखा देता हूँ सेकंड एनिमेशन की का यूज़ क्या है। यार सेकंड एनिमेशन की से हम लोग पीछे का ट्रॉली का जो मतलब ओपन बंद हो रहा है, ट्रॉली ओपन बंद हो रही, तो ये कुछ आप लोगों को यहाँ पे मिल जाने वाला है। तो यही था गाइस आज का ये वीडियो, इसमें मैंने आप लोगों को 5 मोड बताए, 5ों में से आपको सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा है वो मुझे ज़रूर बताना। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों ने मेरे पहले वाले वीडियोज़ नहीं देखा है जिसमें मैंने टाटा ट्रक्स और डंफर ट्रक का रिव्यू किया हुआ है, तो वो वीडियो आप लोग चैनल पर जाके देख लेना। और आप लोगों को इस वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर मैं एंड स्क्रीन में लगा दूंगा, तो वीडियो जरूर देख लेना अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है। वीडियो को करते हैं आप एंड, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर देना ताकि जब भी हम अपना नया वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल जाए, सबसे पहले आप हमारा वीडियो देख सके। मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।